एक ओर जहां कांग्रेस आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, तो उसके लिए असम से बुरी खबर आ रही है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के अध्यक्ष और असम के सिलचर से पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। सुष्मिता देव के इस्तीफे को लेकर न सिर्फ पार्टी के भीतर से आवाजें बुलंद होने लगी हैं, बल्कि पार्टी आलाकमान पर भी सवाल उठने लगे हैं। जी हां, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकी सुष्मिता देव ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है। खबरों की माने तो पहले उन्होंने पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ा, इसके बाद अब उन्होंने ट्विटर के बायो में खुद को कांग्रेस का पूर्व नेता बताया है। सुष्मिता ने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। दिलचस्प बात यह है कि सुष्मिता ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। अब अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन ने सुष्मिता देव को टीएमसी की सदस्यता दिलाई। खबरों की माने तो लंबे समय से वो पार्टी से नाराज चल रही थी। असम विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनकी नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही थी। उधर सुष्मिता के कांग्रेस छोड़ते ही पार्टी नेताओं के बयान भी सामने आने लगे। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी आंखें बंद कर आगे बढ़ रही है। सिब्बल ने कहा कि युवा नेता कांग्रेस को छोड़कर जाते हैं और आरोप उन पुराने बुजुर्ग नेताओं पर लगता है। कीर्ति चिदंबरम ने कहा कि पार्टी को इस पर मंथन करना होगा कि आखिर क्यों सुष्मिता देव जैसे लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं। इससे पहले सुष्मिता देव ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि वो कांग्रेस की सदस्यता छोड़ रही हैं। करीब 30 साल कांग्रेस पार्टी के साथ काम करना उनके लिए यादगार रहा और वो जन कल्याण में आगे का अपना वक्त लगाना चाहती हैं। आपको बता दें कि सुष्मिता देव असम बंगाल के बड़े नेता संतोष मोहन देव की बेटी हैं। वो असम की सिलचर सीट से सांसद भी चुनी गई थी। असल में टीएमसी अन्य राज्यों में अपने विस्तार की योजना बना रही है, जिसमें सबसे पहले उसकी नजर असम और त्रिपुरा पर है। टीएमसी बंगाल के बाहर खुद का विस्तार करना चाहती है। पार्टी को लगता है त्रिपुरा और असम में उसका स्कोप है, जहां उसे सफलता मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।